श्रीमद् भगवद गीता। आज हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुख त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय हो कृष्ण भगवान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विध्यान गम्यं वंदे विष्णु भावयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो आकाश के दृश्य सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतस्तुवन्ति दिव्यस्तुभिः अर्वादयः सांगपदयः कर्मोपनिषदैः गायन्ति अंगसामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति अंगयोगिनो यः शान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले, अंग पद कर्म और उपनिषदों के सितवेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार। जय हो कृष्ण भगवान। जय हो कृष्ण। श्री परमात्मा में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोज्जा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप
लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि एक बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंडर नामक शंख महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन बोले, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। जय हो कृष्ण भगवान। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा इन तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ए तब हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे।
यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नर्क में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात शार्द और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को रख कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत्, श्रीमद्भगवद गीता से उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण समाधि अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जय कृष्ण भगवान।